नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लो प्लेटलेट काउंट, जिसे मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से भी जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और किस प्रकार से हम नेचुरली लो प्लेटलेट काउंट से अपने आप को स्वस्थ प्लेटलेट काउंट के स्थिति में ला सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फंड को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। लो प्लेटलेट काउंट, जिसे हम मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जिसे प्लेटलेट का एक मेडिकल टर्म है थ्रोम्बोसाइट्स, या आखिर होता क्या है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट, जो है एक कलरलेस ब्लड सेल्स है जो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद पहुंचाता है। मतलब कभी भी कट जाए, छिल जाए, जहां से ब्लड निकल रहा है तो तुरंत रक्त का थक्का जमने के लिए क्लॉट करने में मदद पहुंचाता है प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट की कमी हो जाएगी तो कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कई ऐसे लक्षण पैदा होंगे जिनके बारे में मैं आगे को बात करूँगा। नॉर्मली प्लेटलेट का जो रेंज है वो 1.5 लाख माइक्रोलीटर से लेकर के 4.5 लाख माइक्रोलीटर माना जाता है। 1.5 लाख माइक्रोलीटर से लेकर के 4.5 लाख माइक्रोलीटर तक नॉर्मल रेंज माना जाता है। कई बार जब धीरे धीरे 1.5 लाख से नीचे आ जाए और कई बार तो 1 लाख से नीचे आने पर कई ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं जिनके वजह से हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। अब मैं बात करूंगा, प्लेटलेट अगर लो हो जाए तो उसके क्या सिम्टम्स आते हैं। कहीं भी कट छिल जाए तो ब्लीडिंग चालू हो जाएगा। कई बार पैर वगैरह के लोअर लेग वगैरह में स्किन टियर हो जाए, कट जाए तो तेज़ी से खून आने लगेगा। कई बार जो है यूरिन के रास्ते से ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। कई बार कहीं पर भी एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा तेज रक्त का रिसाव होने लगता है। स्प्लीन एनलार्ज होने का खतरा मौजूद रहता है। थकावट महसूस होगा। महिलाओं में बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, मासिक स्राव जो है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग में कन्वर्ट होकर के जा सकता है। ये कॉमन लक्षण है लो प्लेटलेट काउंट के। अगर मैं इनके कारणों के बारे में बात करूं तो कारण जो है बहुत सारे हैं। इसमें बहुत प्रमुख कारण जो है ल्यूकोमिया या अलग तरीके के ब्लड कैंसर्स आदि माने जा सकते हैं लो प्लेटलेट काउंट के। कई प्रकार के एनीमिया की वजह से भी, कई बार रक्त अल्पता के रोग के वजह से भी कई बार ऐसा हो सकता है कि प्लेटलेट के काउंट कम हो गए। कई बार वायरल इन्फेक्शन HIV या हेपेटाइटिस सी के वजह से भी कई बार प्लेटलेट के काउंट कम हो जाते हैं। कई कैंसर के पेशेंट्स को केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देने के वजह से भी कई बार प्लेटलेट डाउन होने लगते हैं। कई बार जो है ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के स्टेज में जो है प्लेटलेट का जो काउंट्स है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। कई बार इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे ल्यूपस आदि ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं उसके वजह से भी कई बार प्लेटलेट का काउंट जो है वो कम हो सकता है। अगर ब्लड में बैक्टीरिया की मौजूदगी हो तब भी ऐसा कई बार देखा गया है कि जो है आपको प्लेटलेट की काउंट जो है कम ही हो सकता है। हैवी अल्कोहल कंजम्पशन को भी एक कारण अभी रिसर्च ने बताया है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी प्लेटलेट का जो है रेंज जो है वो कम हो सकता है। कई बार जो है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा जैसे डिजीजेस हैं उसके वजह से भी प्लेटलेट के काउंट कम हो सकते हैं। कई बार हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रम के पेशेंट्स को भी इस तरीके की स्थिति प्लेटलेट कम होने का हो सकता है। कई ऐसे मेडिकेशंस हैं जिनके ओवर यूज से या साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से प्लेटलेट डाउन हो सकते हैं। अब मैं कुछ नेचुरल तरीके बताऊंगा। अब अपने डाइट में विटामिन सी को इंक्रीज करने पर प्लेटलेट का काउंट बढ़ता है। पपाया पपीता खाने पर या पपीते के पत्ते को पीस करके जूस बना करके पीने से भी फ़ायदा मिलता है। प्लेटलेट बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ आप जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, इनका कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। कोशिश कीजिए कीवी फल जो है उनका भरपूर इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप नेचुरली ग्रीन वेजिटेबल्स और हर प्रकार के पौष्टिक भोजन को रखेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह को कंज्यूम करेंगे तो
प्लेटलेट जो है नेचुरली भी जो है काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस हैं, जो भी ट्रीटमेंट है, उसको आप ज़रूर फॉलोअप करना चाहिए, तो आप बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। और प्लेटलेट काउंट के लो होने पर जो ब्लीडिंग जैसे एबनॉर्मल स्थिति से आप अपने आप को सेफगार्ड करके रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी या चिकित्सा हेतु आप अगर मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।